वेलकम बैक गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत लोग को आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैंने टेक्स्ट थीम के अंदर मैंने यहाँ पे हेडलाइन वन लिखा, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो हेडलाइन वन है वो डिप्रेसेट हो गया, यानी कि ये कुछ दिन में ये फंक्शन हट जाएगा। आपको इस चीज़ को अपग्रेडेड चीज़ में चेंज करना है, यानी कि हेडलाइन वन को किसी दूसरे नाम के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। तो वो कौन सी नेम है जो अब रिप्लेस हुआ है और वो हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सी अपडेट कब आता है, फ्लटर में कौन सी अभी नया अपडेट आया, ये चीज़ें हम लोग को कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए हमारे चैनल को फॉलो करके रखना है और या फिर सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी फ्लटर में अपडेट आए तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज देखते हैं कि हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ मटेरियल थ्री का जो वेबसाइट है उसके ऊपर, यानी कि अब हम लोग मटेरियल थ्री का यूज करते हैं तो उसमें टाइपोग्राफी में क्या अपडेट्स आए हैं। अगर ओवरव्यू में देखें तो यह ओवरव्यू में ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ टाइपोग्राफी टोकन। फॉन्ट्स में चलते हैं तो फॉन्ट्स में देखो इस तरह से फॉन्ट्स की कुछ अपडेट्स है, तो वो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी है टाइप स्केल। टाइप स्केल में अब देखोगे तो कोई भी चीज़ जो पहले हम लोग हेडलाइन वन, हेडलाइन टू, हेडलाइन थ्री इस तरह के लिखते थे, अब वो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। अब हो गया डिस्प्ले लार्ज, डिस्प्ले मीडियम, डिस्प्ले स्मॉल। और हेडलाइन की बात करें तो हेडलाइन लार्ज, हेडलाइन स्मॉल, हेडलाइन मीडियम, इस तरह की सारी चीज़ें हो गई, यानी कि वन टू थ्री जितनी भी थी वो सारा हट गया है। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि ठीक है इसको हेडलाइन, इसको कर देंगे हम लोग हेडलाइन लार्ज तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, लेकिन ये अभी भी आधा जानकारी है, अभी हम लोग पूरा जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। अगर हेडिंग यहाँ पर लगाते हैं तो पहले क्या होता था कि हम लोग अगर यहाँ पर हेडलाइन वन लगा दें तो हम लोग इसमें कितना भी फॉन्ट लिख सकते थे, कितना भी वेट लिख सकते थे, कोई भी कलर डाल सकते थे। ठीक है, कलर अभी भी हम लोग कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम्स ये है कि हम लोग फॉन्ट अपना मन से नहीं लिख सकते हैं। वहाँ पे अगर आप हेडलाइन लार्ज है, हेडिंग लार्ज है, हेडिंग स्मॉल है, तो उसके लिए एक प्री डिफाइंड फॉन्ट लाइन है, फॉन्ट है जो कि आप यूज़ करोगे, तो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी। अगर मैं यहाँ पर टाइपोग्राफी टोकन्स की बात करें तो यहाँ पे देखो आप हेड डिस्प्ले लार्ज है। ठीक है, डिस्प्ले लार्ज में आप कितना फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे देखो, डिस्प्ले लार्ज में आप 64, 57 ये फॉन्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की, या फिर आपको मैं यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा कि आप 36 से 28 ये फॉन्ट आप यूज कर सकते हो इसमें, यानी कि अगर मैं फिर से दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप हो गए तो यहाँ पे लिखा हुआ मिड टाइप स्केल लार्ज लाइन और ये है लार्ज डिस्प्ले। ठीक है, यानी कि 57 से 64 के बीच में डिस्प्ले लार्ज का जो फॉन्ट होगा वो रहना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। आप इससे अगर बहुत ज़्यादा लिखते हो, मान लो यहाँ पे 100 फॉन्ट दे दिए, तो आप डिस्प्ले लार्ज लिखकर भी 100 फॉन्ट का चीज़ नहीं यूज कर सकते, ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है। यानी कि जितने भी फॉन्ट साइज यहाँ पे डिफाइन है वही चीज़ आपको यूज करना है। आप एक बार ट्राई करके देखो, अगर विश्वास नहीं है तो आप डाल कर देखो, जितना भी चीज़ें यूज यहाँ पे लिखा गया वही यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर 103 फॉन्ट साइज यूज करना है तो उसके लिए अलग फॉन्ट साइज होगा, नीचे से लेकर इस तरह से हमारा फॉन्ट साइज को दिखाया गया है, यानी 10 यूज करेंगे तो ऐसा दिखेगा, 11, 12, 14, इस तरह से अगर आप फॉन्ट साइज लिखोगे तो कितना बड़ा बड़ा होते जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पे देखो कि अगर आप टाइटल लिख रहे हो तो टाइटल में 22 फॉन्ट साइज यूज करना है, हेडलाइन में 24 फॉन्ट साइज यूज करना है, हेडलाइन मीडियम में 28 यूज करना है, हेडलाइन लार्ज में 32 यूज करना है। यानी कि टाइटल्स की बात करें तो 0 से लेकर 22 तक यूज कर सकते हो, हेडलाइन की बात करें तो 0 से लेकर 24 तक यूज कर सकते हो, और हेडलाइंस मीडियम की बात करें तो 0 से लेकर 28 के बीच में यूज कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर डिफाइन किया गया, तो आप भी इस तरह से यूज करो, तब आपका जाकर जो आप फॉन्ट स्टाइल की चीज़ है वो
सही हो पाएगा। तो हम लोग इसको सही कर लेते हैं। तो सबसे पहला ये जो है वो 57 देखो फॉन्ट दिए हैं, तो 57 हमारा कहाँ पर आता है, तो हेडलाइन लार्ज में आता है। 45 कहाँ आता है, तो हेडलाइन मीडियम में आता है। हेडलाइंस, एक सेकंड, शायद हेडलाइन मीडियम यूज है, ठीक है, यहाँ पे यूज हो गया है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ से कट कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए लिया था। अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा जो भी चीज़ है वो अपग्रेडेड है। आपको भी ऐसे ही चीज़ें को अपग्रेड करके रखना है। जो भी चीज़ पे आपको कट दिखाए आपको उसको तुरंत ही चेंज कर देना है अपग्रेडेड वर्जन में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, फ्लटर की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में।